जीएसटी में आपको वॉलंटरी बेस पे पेमेंट करनी है, मींस आपको एक फॉर्म फाइल करना है। उस फॉर्म फाइलिंग में पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं, कोई सो कॉज नोटिस का आप रिप्लाई दे रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जल्दी जाइए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन लिंक पे ओपन करिए और उस वीडियो को देख के आइए, तभी ये आपको वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। दोस्तों, ये उसी वीडियो से एक लिंक्ड छोटा सा एक और पार्ट है जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि उस फॉर्म के आगे का प्रोसीजर क्या है, आपको कैसे प्रॉपर उस पेमेंट की जानकारी मिल सकती है या उसका पूरा प्रोसीजर कैसा है। ये वीडियो के बिना वो प्रोसीजर थोड़ा अधूरा है, इसलिए उस वीडियो को भी देखें और साथ ही साथ इस वीडियो को सेकंड नंबर पे देखें। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैक्स फॉर वेल्थ। मैं रंजन आज आपको एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें मैं आपको लास्ट वीडियो से रिलेटेड एक नई इन्फॉर्मेशन देने चाहता हूँ कि वो कंप्लीट प्रोसीजर कैसे होगा। मींस आप जो वॉलंटरी बेस पे पेमेंट कर रहे हैं उसका थोड़ा और आगे का स्टेप क्या है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि फॉर्म जो है जीएसटी DRC-03, आप उसमें वॉलंटरी बेस पे पेमेंट कर सकते हैं अपनी खुद की लायबिलिटी के अनुसार, या फिर गवर्नमेंट के थ्रू AO के थ्रू आपको कोई सो कॉज नोटिस आया है जिसका आपको रिप्लाई करना है। मींस उन्होंने आपको बता दिया है कि आपकी इतनी टैक्स लायबिलिटी बनती है जो कि आपको विद इन 30 डेज, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था टाइम लिमिट है, विद इन 30 डेज आपको ये पेमेंट को करना है। तो दोस्तों, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑफलाइन में चक्कर नहीं लगाने हैं ऑफिसर्स के, खुद ब खुद आप इस फॉर्म के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आधी चीज़ें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दी थी कि DRC-03 में आप पेमेंट कर चुके हैं, उसके बाद की बात है कि आपने जब पेमेंट कर दी है बट इस फॉर्म को आपको विद इन 15 डेज भरना होता है, मींस आपने इसको ड्राफ्ट सेव में रखा हुआ है, उसके बाद से आपको विद इन 15 डेज मींस 1 जनवरी से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो 15 जनवरी के बीच में ही आपको इस फॉर्म को कंप्लीट करना होता है, मींस सबमिट करना होता है। ड्राफ्ट टाइम जो इसका है वो है 15 डेज का। अगर ये 15 डेज में आप नहीं कर पाते हैं तो क्या आपकी पेमेंट जो की है वो लैप्स हो जाएगी, क्या ये फॉर्म आपके यूज में नहीं रह जाएगा और आपको फर्दर प्रोसीजर क्या फॉलो करना पड़ सकता है, इस जानकारी के लिए मैं आपको आगे चीजें बताऊंगा। दोस्तों, जैसे ही DRC-03 में आपने पेमेंट कर दी, आपको एक PRN जनरेट होगा, पेमेंट रेफरेंस नंबर, जो कि अगले 15 डेज तक आप उसे यूज कर सकते हैं अपने सेम फॉर्म जो आपने फिल करा है, जिसके अगेंस्ट में आपने पेमेंट करी है, उस फॉर्म को सबमिट करने के लिए। फॉर्म आपका सबमिट जो होता है वो या तो DSC के थ्रू या फिर EVC के थ्रू, मीन्स OTP ऑनलाइन जनरेट करने के थ्रू, इन दो तरीकों से आपका फॉर्म सबमिट हो सकता है। बट ये एक सवाल आता है कि अगर मैंने 15 डेज के अंदर अंदर मैं उसे नहीं कर पाया, कुछ काम की वजह से मैं बाहर था या कोई भी रीज़न आप ले सकते हैं, तो वो क्या हो सकता है। दोस्तों, GST पोर्टल का जो नियम है वो है 15 डेज तक आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, उसके बाद आपका फॉर्म जो है वो पर्ज्ड हो जाएगा। पर्ज को मैं अगर बताऊं से एक सिंपल भाषा में क्या है, तो वो चीज़ें आपकी लैप्स हो जाएंगी, मतलब आप उसे दोबारा यूज़ नहीं कर पाएंगे। बट ध्यान रहे, GST प्रोसेस ने आपको एक नया नज़रिए से देखते हुए आपको दिया है, एक अपॉर्चुनिटी दी है आपको कि आप उस पेमेंट को यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज आपने टैक्स पेमेंट तो ऑलरेडी कर दी है, आपके पास ऑलरेडी PRN है, तो आप उसे नए फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं टिल आप नया फॉर्म सबमिट करते हैं। नए फॉर्म के लिए फिर से आपको 15 डेज का टाइम मिल जाएगा, नए फॉर्म में सारी डिटेल्स वैसे ही भरिए और उस सेम PRN नंबर को डाल देंगे, तो जो टैक्स लायबिलिटी आपने पहले पे कर दी है उस PRN के अगेंस्ट में, तो आप इसे दोबारा से यूटिलाइज कर पाएंगे। अगर मैं इसे सिंपल भाषा में कहूँ तो जैसे आप ITC यूटिलाइज करते हैं, वैसे ही सेम आप इस PRN को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई बात कि 15 डेज, और 15 डेज के बाद अगर मैं करना चाहता हूँ तो कैसे काम कर सकता हूँ, मींस DRC-03 कैसे कर सकता हूँ। अब DRC-03 के बाद का जो प्रोसेस है वो है, सबमिशन आपने कर दिया, आपको एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगा, मींस वो जो फॉर्म आपका होता है वो पेंडिंग फॉर अप्रूवल के लिए चला जाता है। ऑफिसर जो आपका है टैक्सेशन का, वो आपको अप्रूवल के लिए वेट करना पड़ता है कि इसका कुछ दिनों में आपके पास अप्रूवल आ जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि आप उस अप्रूवल के बिना आपका काम नहीं हुआ, या फिर उस अप्रूवल के बिना आप अगर फर्दर वॉलंटरी पेमेंट करना चाहते हैं तो वो आप नहीं कर पाएंगे। GST पोर्टल ने इसका सटीक रिप्लाई दिया है कि आप
वॉलंटरी पेमेंट की एक जो आपका सबमिशन पेंडिंग में है, मीन्स आपने सबमिट उसको कर दिया है, आपको अप्रूवल नहीं मिला हुआ है, तो आप नेक्स्ट जो आपकी फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं 15 दिन के अंदर अंदर, जैसे कि जैसा प्रोसेस है स्टार्टिंग से, DRC-03 भरना, वॉलंटरी सो कॉज नोटिस के अगेंस्ट में रिप्लाई देना, वो सारी चीज़ें आप फिर से रिपीट कर सकते हैं नए प्रोसीजर के थ्रू। मीन्स पुराने फॉर्म से आपको कोई लेना देना नहीं है, वो अप्रूवल हुआ या नहीं हुआ, अप्रूवल हो जाएगा तो आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा DRC-04 फॉर्म के जरिए। ठीक है दोस्तों, इसमें एक और मुद्दा आता है, लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मान लीजिए मेरी लाइबिलिटी जो है 1 लाख की है और मैं चाहूँ कि 50,000 अभी पे कर दूँ और 50,000 नेक्स्ट वाले में पे कर दूँ, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आपकी लाइबिलिटी 1 लाख की है तो आपको 1 लाख ही पे करना होगा। मीन्स पार्शियल पेमेंट सिस्टम अलाउड नहीं है वॉलंटरी बेसिस में। वॉलंटरी बेसिस में आपको जितनी पेमेंट मांगी गई है उतनी पेमेंट एट अ टाइम, एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे करनी ही होगी। ये थी थोड़ी थोड़ी छोटी सी बातें जो आपको DRC-03 मीन्स वॉलंटरी बेसिस पेमेंट से रिलेटेड जाननी जरूरी थी। दोस्तों एक और बात इसमें आती है कि जो आपने ड्राफ्ट सेव किया था उसे आप कैसे देख चेक कर सकते हैं। कुछ लोग हैं जो इसको जानते होंगे बहुत अच्छे से, बट जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि ड्राफ्ट एप्लीकेशन को आपको ओपन करने के लिए अपने पोर्टल में लॉगिन करना है GST में, फिर आपको यूज़र सर्विसेज में जाना है, यूज़र सर्विसेज में आपको माई सेव्ड एप्लीकेशन में जाना है और आप उसे ओपन कर सकते हैं, वहाँ आपका फॉर्म दिख जाएगा, जिससे आप ये ट्रैकिंग कर सकते हैं कि मेरी जो टाइम लिमिट है क्या वो 15 दिन बीत चुकी है या फिर अभी वो टाइम लिमिट के अंदर अंदर है, या फिर आफ्टर सबमिशन का प्रोसेस आपका अप्रूवल हो चुका है, एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो गया है या नहीं हुआ है। ये थी दोस्तों वॉलंटरी बेसिस से रिलेटेड चीज़ें कि आप इस बेस में क्या क्या पेमेंट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी सो कॉज नोटिस हो या आपको खुद लग रहा हो, अंदर से इच्छा आपकी हो रही हो कि मुझे टैक्स पेमेंट कर देनी चाहिए, तो आप खुशी से गवर्नमेंट को पेमेंट कर सकते हैं, या फिर दुख मन से अगर बोला जाए कि आपको सो कॉज नोटिस आया है तो उसमें भी आप पेमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि बाकी लोग जो अभी इस समस्या से झेल रहे हैं, ऑफलाइन में दौड़ दौड़ के कैश जमा करा रहे हैं या कार से जाकर या जैसे भी पेमेंट कर रहे हैं, उस समस्या को छोड़ने के बजाय आप इस समस्या का समाधान आप सीधे सीधे ऑनलाइन पोर्टल पे पा सकते हैं, मीन्स फॉर्म के थ्रू आप इस पेमेंट को कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट वीडियो को देखें, उसमें सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, उस वीडियो के बाद इस वीडियो को देखें, और GST से रिलेटेड लगभग कई सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको सेम यूट्यूब चैनल में GST प्लेलिस्ट के नाम से ही अपडेट की हुई हैं, उस चीज़ों को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब्ड रहेंगे, हमारी रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी टैक्स से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड, सेविंग से रिलेटेड, आपको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए पैसे, कहाँ किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी जानकारी आपको इसी YouTube चैनल पर मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।